ये शहला का वही घर है जिसके बाहर उसकी मृतदेह कार से बरामद हुई। शहर की पॉश कॉलोनी में एक अदद मुस्लिम परिवार में जन्मी शहला, संस्कारी परिवार लेकिन रूढ़ियों के कैद से आजाद। इस घर की ये लाडली पढ़ाई के लिए भी उस जमाने में सबसे प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पहुंची। एक ऐसा स्कूल जिसमें उस समय केवल शहर के बड़े परिवारों की लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने पहुंच पाती थी। हजारों की भीड़ में शहला भी एक थी, लेकिन भीड़ से अलग दिखने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। लड़कियों के स्कूल में पढ़ने वाली शहला का मिजाज उनसे बिल्कुल अलग था। लड़कों की तरह घूमना, मौज करना और नए नए दोस्त बनाना उसकी आजाद ख्याली का एक हिस्सा था। वो आम लड़कियों से कुछ हटके थी। नफासत, नजाकत, पाबंदी, मर्यादा जैसे शब्दों से कोसों दूर थी शहला। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के बाद शहला पहुंची शहर के सबसे मॉडर्न कॉलेज BSSS में। कॉलेज के स्वच्छंद वातावरण ने जैसे शहला के मिजाज को और मजबूत बना दिया। स्कूल की बिंदास शहला उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद बेबाक भी हो गई, लेकिन अफसोस कि अपनी चर्चित छात्रा के संबंध में हमारी टीम से न तो स्कूल प्रबंधन ने बात की और न ही इस कॉलेज के किसी प्रोफेसर ने उसकी यादें बांटना जरूरी समझा। कॉलेज से निकलकर शहला ने अपने करियर की शुरुआत की। आजाद ख्याल शहला ने करियर भी अपने मिजाज के मुताबिक ही चुना। वो शहर की पहली इवेंट मैनेजर बनी। अपने इस काम के लिए उसने MP नगर का चयन किया। यहाँ के श्री मोहन परिसर में शहला ने अपना कार्यालय बनाया। ये वर्ष 2000 की बात है। जैसे कि शहला की शख्सियत थी बिंदास, बेबाक और गुस्सेल, सो उसके किस्से यहाँ भी ज्यादा दिन छिपे नहीं रहे। जरा से गुस्से में अपना आपा खो देना उसके लिए आम बात थी। हमारे साथ हैं सुषमा जी, हम उनसे जानते हैं शहला मसूद के बारे में। सुषमा जी, शहला मसूद को आप कब से जानती हैं? मैं शहला मसूद को 2001-2002 के बीच दौरान की बात है, और जिस ऑफिस में हम बैठे हैं इसी ऑफिस में उनका ऑफिस हुआ करता था और यहीं से उन्होंने अपने काम की शुरुआत करी थी, तब से मैं जानती हूँ उनको। शहला मसूद बेसिकली काम क्या करती थी? शहला मसूद का काम था इवेंट मैनेजमेंट का, और उनका जो ऑफिस था मिराकल इवेंट मैनेजमेंट के नाम से, और इसमें वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, लॉन्चिंग कराना और फैशन शो ऑर्गेनाइज कराना, ये सब काम किया करती थी। वो फैशन शो भी वो अरेंज करती थी, तो क्या भोपाल में उन्होंने ऐसे कुछ फैशन शो ऑर्गेनाइज किए हों, क्या आपको कोई याद है? हाँ, उन्होंने ज़रूर बहुत से फैशन शो ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें मुझे भोपाल हाट का याद है, तब उन्होंने MP टूरिज्म के लिए ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद भी एक दो और किए, और फिर रिसेंटली एक अभी लास्ट 2010 में भी उन्होंने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था। यदि उनके व्यवहार के बारे में बात की जाए तो कैसा था नेचर? उनका नेचर जो था वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और हॉट टेम्पर्ड था। वो इस वजह से क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सी बात पे मतलब गुस्सा हो जाती थी, और गुस्सा होने के साथ में ये था कि अगर वो गुस्सा हो गई तो उनका हाथ भी उड़ जाए, इसकी भी कोई मतलब ये नहीं था। तो हमारा जो ऑफिस बॉय था उनको भी उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। उसके अलावा जो उनका स्टाफ था, उनके स्टाफ के साथ में भी उनका ऐसा रवैया था कि अगर किसी ने उनकी ज़रा सी बात नहीं मानी तो वो चिल्लाती थी ज़ोर ज़ोर से, गाली गलौज करती थी। इवन देन जो उनके बराबर के जो उनके कलीग्स थे उन लोग को तो थप्पड़ तक उन्होंने जड़ दिया था। तो गुस्सा होने के बाद फिर अगर उन्हें नॉर्मल होना होता था तो वो ऑफिस में बैठ के जब तक वो 3-4 सिगरेट नहीं पिया करती थी तब तक वो मतलब नॉर्मल नहीं हुआ करती थी। ये मतलब मैंने उनको यहीं पर देखा था। फैशन शो जो उन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज कराया था, तो आपके पास कोई ऐसी वीडियो क्लिपिंग या कुछ फुटेज अवेलेबल हैं? हाँ बिल्कुल है। मैं आपको वो वीडियो क्लिप्स दिखाने से पहले उनके काम की तारीफ भी करना चाहूँगी कि वही उन्होंने उनका जो काम करने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। जो झारू थी बहुत मन से काम किया करती थी, और काम का तरीका बहुत अलग हुआ करता था, हटके हुआ करता था। और ऐसे ही फैशन शो में भी उनका नज़र आता था। वन मेला भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था जो मतलब मेरे सामने ही हुआ, और जो फैशन शो मैं अभी जिसकी वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी वो हेरिटेज पर था बेस्ड, उसमें लाइटिंग बहुत अच्छी की थी। मतलब इस तरीके से उनके काम की तारीफ तो नो डाउट बहुत
अच्छी थी। और इसमें इन्होंने डिज़ाइनर के कपड़े को रिप्रेजेंट किया था, मतलब जो उन्होंने डिज़ाइन किए हुए थे। इसमें मॉडल्स उन्होंने कुछ बाहर की बुलाई थी, कुछ भोपाल की थी। लेकिन जो फैशन शो होता है उस पर तो मॉडल्स होते हैं और वो रैंप पर कैटवॉक करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हटके लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि फैशन शो हो रहा है। थीम होगी, उन्होंने इसको मतलब जो ऐतिहासिक गाथा होती है उसको लेकर इन्होंने इसको मतलब दिखाया था, इस तरीके का था इनका। क्या ये भोपाल में अनोखा जो फैशन शो है, पहली बार होना चाहिए? कि मैंने तो जब से फैशन शो यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उसमें ये पहला ऐसा था कि जो थीम बेस्ड था, और इसमें इन्होंने ऐतिहासिक मध्य प्रदेश की, खास तौर पे इन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास को यहाँ दिखाने की कोशिश की कि कौन कौन से महाराजा यहाँ आए हुए हैं, कौन कौन से राजा महाराजा रहे थे, मतलब मध्य प्रदेश में, उन सबको दिखाया था। ये तो चर्चा में रहा था, मतलब इसकी तारीफ भी हुई थी कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था ये। ये वो कार्यक्रम था जो बेहद सफल रहा, लेकिन उसके बाद वन विभाग के कार्यक्रम में शहला की किस्मत ने साथ नहीं दिया। वन विभाग के प्रतिष्ठित आयोजन वन मेले का काम वो समय पर पूरा नहीं कर सकी, जिसके चलते विभाग को मुंह की खानी पड़ी और जैसे तैसे अपने स्तर पर इस कार्य को पूर्ण कराया गया। लघु वन उपज से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति निर्मित हो गई। भुगतान की प्राप्ति के लिए शहला ने तरह तरह से राजनीतिक दबाव बनाए और फिर विभाग को परेशानी में डालने के लिए आरटीआई का सहारा लेकर अलग अलग मुद्दों पर जानकारियां हासिल करनी शुरू कर दी। और यहीं से शहला ने आरटीआई का सहारा लेकर अलग अलग विभागों में भी जानकारियां हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज।